नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। देश, दुनिया, बिहार, खेल और मनोरंजन जगत की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहली खबर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर, जिस बयान को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके अभद्र भाषण की घोर निंदा करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राव का बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने कांग्रेस नेता अजय राव की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में सुनवाई निर्धारित की है और अजय राय को 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने का नोटिस भेजा गया है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक रणनीति विकास पर चर्चा की गई। सुंदर पिचाई ने भारत को एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए एक इंटरनेट सर्च मॉडल विकसित कर रही है। महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनियों को $7.5 करोड़ की मदद दी जाएगी। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हुआ है। हालत इतनी गंभीर है कि अस्पतालों में ना कोई बेड है और ना ही दवाएं हैं। जहां है भी वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुँच गई है। अब नजर बिहार की खबरों पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अब इसकी गूंज वही लोकसभा में भी सुनाई दे रही है। छपरा शराब कांड की जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार करेगी। आयोग की टीम आज पटना पहुंच चुकी है। इसे लेकर मुंगेर के जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को यह सूचना दी है कि छपरा में जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उसकी जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगी। सिवान के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से लगभग 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला जिले के दौरंदा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है। एक साथ इतने स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने के बाद अफरा तफरी मच गई है। सोमवार की शाम छात्राओं ने स्कूल में ही पकौड़ी और लाई खाई थी, जिसके बाद से सभी बीमार हो गए। बिहार में अपराधी ठगी करने के नए नए तरीके अपनाए हुए हैं। ताजा मामला पटना के कंकड़बाग के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के, जहां अपराधी ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस को देखते ही दोनों ठग भागने लगे, जिसे पुलिस ने फौरन ही दबोच लिया। गिरफ्तार हुए 5 साइबर ठगों के पास से ठगी के दौरान उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण के साथ साथ कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बीपीएससी की 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा के आवेदन की आज आखिरी डेट है। इच्छुक कैंडिडेट केवल आज ही आवेदन दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, वे जल्द ही कर लें। बता दें कि परीक्षा के ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया 25 नवंबर से 20 नवंबर तक लास्ट डेट था। आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाना होगा। जारी नोटिस के अनुसार इसके जरिए कुल 281 रिक्त पदों पर भर्तियां की जानी है। खबर खेल जगत से। बांग्लादेश के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा और नवदीप सैनी बाहर हो गए। रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अंगूठे में लगी चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। उनकी जगह पर अभिमन्यु को शामिल किया गया था। वहीं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में टेस्ट सीरीज के लिए शामिल किए गए नवदीप सैनी भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं। अब खबरें मनोरंजन जगत से। अजय देवगन पिछले कई समय से अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर वैसे ही सफलता के झंडे गाड़ रही है। अब फैंस को एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ाने के लिए वह फिल्म भोला के साथ हाजिर हैं।
अजय ने सोशल मीडिया पर अपना फर्स्ट इंटरेस्ट लुक शेयर किया है। फैंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अजय इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है। ये फिल्म 30 मार्च 2023 को रिलीज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।